हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन न्यूज नंबर वन। दोस्तों, सत्ता के सेमीफाइनल का ऐलान हो चुका है। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा, कब कब चुनाव होने वाले हैं इन राज्यों में वो भी मैं आपको बताऊँगा, BSP सुप्रीमो में ने क्या बड़ा ऐलान किया है। साथ ही साथ दोस्तों, एक सर्वे भी आया है सभी राज्यों को लेकर, उसको भी मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों, इन चुनावों का बहुत ज़्यादा खास माना जा रहा है, क्योंकि ये वो चुनाव है जो तय करेगा लोकसभा की तस्वीर और तकदीर तय करने वाला है। बसपा सुप्रीमो ने चुनाव आयोग को नसीहत दी है, क्या नसीहत दी है और किस तरीके से उन्होंने इन राज्यों में जीत को लेकर ऐलान किया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे बहुजन न्यूज नंबर वन चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर आज पर सेट कर देना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में इन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव दोस्तों लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हो रहा है, इसलिए इन्हें सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दोस्तों, ये चुनाव जो है BJP के लिए करो या मरो का चुनाव है, क्योंकि BJP के हाथ से सभी राज्य फिसलते जा रहे हैं। हाल ही में 2 महत्वपूर्ण राज्य BJP ने गंवा दिए हैं, वो है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है कर्नाटक प्रदेश। चलिए दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं कि कब कब कहां कहां चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले किस राज्य की बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग की जाएगी। एक वोटिंग, पहली वोटिंग होगी 7 नवंबर और दूसरी वोटिंग होगी 17 नवंबर। दोस्तों, मिजोरम में वोटिंग होगी 7 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होगा। इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होगा, वोटिंग होगी। वहीं दोस्तों, तेलंगाना में सबसे लास्ट में वोटिंग होने वाला है, 30 नवंबर को चुनाव होगा। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि इन 5 राज्यों के परिणाम एक ही दिन आएंगे दोस्तों, एक ही दिन आएंगे, 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा का परिणाम, विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उनका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। समय बहुत कम बचा है, तैयारियां भी करनी है, उम्मीदवारों का ऐलान भी करना है, लोकसभा चुनाव की तैयारी भी करनी है, इसलिए इस चुनाव को बहुत ज़्यादा खास माना जा रहा है। और इस पार्टी में जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। खास तौर से बसपा सुप्रीमो की बात करूं, बहुजन समाज पार्टी की इस समय ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। वो इन 5 राज्यों में तो नहीं, लेकिन वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में जमकर चुनाव लड़ रही है। इस समय बहुजन समाज पार्टी जमीन स्तर पर आ रही है, धरातल पर उतरकर वो चुनाव लड़ रही है, काम कर रही है, और ख़ास तौर पर वो मुद्दों को उठा रही है, जनहित के मुद्दों पर BSP चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर दोस्तों, जब तक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ, बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है। वहीं पर राजस्थान और तेलंगाना में बसपा ने अभी तक अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दोस्तों, बसपा के लिए यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बसपा ने क्या कहा है कि वो इन राज्यों में किंग मेकर बनेगी, सरकार में शामिल होगी। कहने का मतलब, बसपा देश की 3रे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए वो इन राज्यों में भी किस्मत आजमाने वाली है। और 2018 में भी वो इन राज्यों में चुनाव जीतती आ रही है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, लेकिन बसपा के लिए इस बार तेलंगाना खास है दोस्तों, क्योंकि तेलंगाना वो राज्य है जहां पर बसपा सुप्रीमो ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे को ही ऐलान कर दिया पहले से ही। उनका नाम है RS परवीन साहब, जो पूर्व IPS है, नौकरी छोड़ दी है और
राजनीतिक में आ गए हैं, बीएसपी के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हैं। वहाँ की सरकार केसीआर को वो बड़ी टक्कर देते हुए चुनौती पर है इस बार नजर आ रहे हैं। बसपा ने इस बार किंग मेकर बनने का ठान लिया है, एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है बसपा सुप्रीमो ने, वो मैं आपको बताऊंगा। मान्यवर काशीराम जी का संकल्प जो है वो बसपा सुप्रीमो ने पूरा करने का संकल्प लिया है। जी हाँ दोस्तों, संकल्प जो है वो बसपा ने पूरा करने का संकल्प लिया है। मान्यवर जी का संकल्प अभी भी अधूरा है और बसपा ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि मान्यवर जी के मिशन को बहुजन समाज पार्टी पूरा करेगी। मतलब दोस्तों प्रधानमंत्री बनेगी, उस पद तक पहुँचेगी, संकल्प लिया गया है। दोस्तों चुनावों के तारीखों के ऐलान के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी को सुझाव दिया है, इलेक्शन कमीशन को सुझाव दिया है, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया है। दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि सरकारी मशीनों का दुरुपयोग हुआ है, उससे कैसे निपटेंगे, यही नहीं धन बल का भी दुरुपयोग किया जाएगा, इसको कैसे रोकेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके सामने चैलेंज यह है दोस्तों, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना पड़ेगा। ये सभी चैलेंज इसी के पास है दोस्तों। अगर इस चुनाव में सरकारी मशीनरी और धन बल का दुरुपयोग रुका नहीं तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, तभी लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित नहीं माना जाएगा। दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने उस नोटिस का भी जिक्र किया जहां पर मोदी सरकार को और कांग्रेस सरकार को नोटिस मिला है कि आप लोग अब लोग लुभावने वादे घोषणा मत करिए, क्योंकि अब ये बिल्कुल मान्य नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने इन राज्यों में चुनाव लड़ने को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनावी समझौता करने के अलावा मिजोरम को छोड़कर राजस्थान व तेलंगाना, इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव किसी समझौते किए बिना चुनाव लड़ रही है, इन राज्यों में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करती है। और दोस्तों आप जानते हैं कि जब जब चुनाव नज़दीक होता है सर्वे की भरमार हो जाती है। अब एबीपी न्यूज़ के वोटर ने सर्वे किया है जिसमें चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। दोस्तों यह सर्वे तेलंगाना छत्तीसगढ़, सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सर्वे में किसको कितनी सीट मिली है तो आप जान लीजिए। दोस्तों कांग्रेस पार्टी को 90 सीटों में से 45 से 51 सीटें मिलने को है अनुमान बताया जा रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 39 से 45 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, अन्य को 2 सीटें रखी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को 48 से 60 सीटें मिलने की उम्मीद कर रही है और बीजेपी को 5 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। और दोस्तों अन्य में बसपा जो है वो 5 से 11 सीटें मिलेगी और दोस्तों बीआरएस को 43 में 55 सीटें मिलने का अनुमान। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।